फरुखाबाद में बीजेपी के पिछड़ा सम्मेलन में राजनीति का क्रूर चेहरा दिखा, जहां एक कार्यकर्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और सिर से खून बहने लगा, लेकिन नेताजी तसल्ली करते रहे कि ये कार्यकर्ता उनका समर्थक है या नहीं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, लेकिन पिछड़ों को लेकर कितनी संजीदा है, जरा इन तस्वीरों में देखिए, गौर से देख लीजिए। सम्मेलन में एक शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिरा है, लेकिन बीजेपी के नेता मंच पर विराजमान है। बेसुध पड़े शख्स के अचानक जमीन पर गिरने से चोटें भी आई हैं, सिर से खून निकल रहा है, लेकिन नेताजी मन से हिले भी हैं। वो तो भला हो पिछड़ा सम्मेलन में आने वाले दूसरे लोगों का, जिन्होंने शख्स पर रहम खाकर इन्हें उठाया और इस शख्स की मदद की। कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भीड़ बढ़ाने के लिए बीमार और कमजोर लोगों को भी वाहनों से भरकर लाया गया, जिसके बाद महोई से आया एक कार्यकर्ता पहले से बीमार होने के कारण कुर्सी पर बैठे बैठे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक बनी स्थिति के बावजूद मंच पर बैठे नेताओं में से कोई भी मन छोड़कर नहीं आया। कार्यकर्ता के सर से खून बहता रहा और नेता ये तय करते रहे कि ये कार्यकर्ता समर्थक किसका है। दरअसल पांचाल घाट के नारायण आश्रम में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा था। इसी दौरान पीछे की ओर अकेले बैठा एक कार्यकर्ता अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस स्थिति की जानकारी मिलने पर भोजपुर क्षेत्र से टिकट के दावेदार नागेंद्र सिंह राठौर, शैलेंद्र सिंह राठौर और जन सेवक उस ओर लपके तो, पर सभी कार्यकर्ता का चेहरा पहचान रहे थे कि टिकट की जग में वह किसके साथ है। और जब ये तीनों नेता उस कार्यकर्ता के अपना समर्थक होने की तस्दीक न कर सके तो सभी पीछे हट गए। कार्यकर्ता दर्द से तड़पता रहा और नेताओं की आंखों का पानी मरता दिखा। इन सब के बावजूद मंच का कोई नेता कार्यकर्ता का हाल चाल पूछने तक नहीं आया। अनिल वर्मा शेखर, फरुखाबाद, समाचार प्लस।